हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है सजाइटल ट्रेसिंग ऑफ दी पेरिटोनियम या अब्डोमिनल कैविटी। तो आपने ये तो देखा ही होगा, ये वाला डायग्राम। तो इसमें हमने क्या किया है, जैसे ये था, हमने बॉडी को बीच में से कट कर दिया है, सजाइटल सेक्शन किया है, मतलब इसका, जिससे राइट और लेफ्ट बॉडी हाफ इक्वल में कट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इसको कट किया है, तो क्या होगा कि हम इसको ऐसे देखेंगे, फिर इसको राइट से देखेंगे। ठीक है, हमने ये अब हम इसको राइट से देखना है, ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम्स आ गई, ठीक है, कॉकिक्स, सैक्रम, ये सब हमको दिख रहा है। यहाँ पे ज़िफॉइड प्रोसेस दिख रहा है, यहाँ पे हमें प्यूबिक सिम्फाइसिस दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन मसल वाली लेयर, मतलब मसल्स को हटा देंगे और मतलब इसको और ऐसे कट करेंगे जिससे कि हमको ऑर्गन्स दिखें। तो जब हम ऑर्गन्स कट करेंगे तो हमको क्या दिखता है, हमको ये चीज़ दिखती है। ठीक है, देखिए ये मॉडल है, ये थोड़ा रफली है, अभी हमने अच्छे से वो पेज पे ड्रॉ किया है, लेकिन ये थोड़ा आइडिया लगाने को है। एक तो पेरिटोनियम की ट्रेसिंग इसमें बतानी है, और इसमें पेराइटल और विसरल हमको दोनों दिखानी है, दोनों समझानी है, और इसमें बताना है कि, और इसमें हम सब बताएंगे, लेसर सैक, ग्रेटर सैक, वो सब अब इसी में शो हो जाएगा। ठीक है, ये तो है हमारी एंटीरियर वॉल, ये हो गई हमारी पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल में अम्ब्लाइकस वगैरह ये सब दिखेगा, और पोस्टीरियर वॉल में हमारी वर्टिब्रल कॉलम, सैक्रम, कॉकेक्स, ये हमको सब कुछ दिखेगा। ठीक है, जब हम इसको कट सेक्शन लेंगे, सजाइटल सेक्शन लेंगे, तो हमको हम पेरिटोनियम पे ज़्यादा मेन फोकस करेंगे। ठीक है, पेरिटोनियम, विसरल और पेराइटल। तो इसमें लिवर कट होगा, ठीक है, लिवर होगा, उसके नीचे स्टमक होगा, उसके नीचे हमारी कोलोन होगी, ट्रांसवर्स कोलोन, इसके नीचे है ये हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो कट होगी तो ऐसे करके कुछ हमको दिखेगा। अगर हम इसको कट करेंगे यूं करके, तो देखिए हमारा ये स्टमक भी, ये ऐसे करके लिवर कटेगा, फिर हमारा स्टमक दिखेगा, फिर ट्रांसवर्स मेसोकोलन, यहाँ पे इंटेस्टाइन्स होंगी, यहाँ पे इंटेस्टाइन कट होंगी, और यहाँ पे फिर हमारा रेक्टम भी है, और रेक्टम के पीछे क्या है, सॉरी, रेक्टम के आगे है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एंटीरियरली। तो ऐसे करके ये कट सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब क्या है, जब हम पेराइटल और विसरल पेरिटोनियम की बात कर रहे हैं, तो पेराइटल देखिए जो आगे एब्डोमिनल वॉल को कवर कर रही है, ये तो हमारी फर्स्ट लेयर हो गई। ठीक है, ये जो हमारी ऊपर तक, ये जो वाइट कलर की है वो पेराइटल है, और जो ब्लैक कलर में है वो पूरी की पूरी हमारी विसरल लेयर है। तो जो एब्डोमिनल वॉल को जो कवर कर रही है, वो सारी की सारी, ये देखिए यहाँ पे पेराइटल है, ये ऊपर डायफ्राम के लोअर बॉर्डर से होती हुई फिर ये नीचे जाती है। ठीक है, फिर इसको लिवर दिख जाता है, ये लिवर को कवर करती है। लेकिन अब ये तो हो गया कि ये विसरा है, ये ऑर्गन है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, है तो वही लेयर, नाम बस चेंज हो गया है, क्योंकि अब ये ऑर्गन को कवर कर रही है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, अब ये विसरा को कवर करती हुई, लिवर को कवर करती हुई, अब इसको स्टमक भी दिख गया, तो ये स्टमक को कवर करने आ गई है। तो स्टमक को कवर करती हुई एक तरफ से, फिर इसको यहाँ पे कोई नहीं दिखता, तो ये नीचे चली जाती है, लेकिन फिर इसको आगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, वो ट्रांसवर्स मेसोकोलन दिखता है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, सॉरी। ठीक है, ये इसको दिखता है, तो ये उसको कवर करने चली जाती है, ये इसकी जो लेयर है ये वाली, ये है ना, ये फिर इसको नीचे से कवर करती हुई, ट्रांसवर्स कोलोन को नीचे से कवर करती हुई पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे चली जाती है। ठीक है, पोस्टर एब्डोमिनल वॉल बनाती है। अब क्योंकि ये पीछे की एब्डोमिनल वॉल पे चली गई है, तो ये वाइट हो गई, मतलब अब ये पेराइटल पेरिटोनियम हो गई। फिर अब इसको यहाँ पे ये दिख जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी अब इसको कवर करना है, तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन ही है, और तो फिर इसको ये कवर करेगी, इसको ऐसे करके, फिर ये अब यहाँ पे पेराइटल बन जाएगी, क्योंकि पोस्टर एब्डोमिनल वॉल है ना, फिर ये दो तीन जो होंगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे कवर करेगी। फिर क्या है, ये हमारा रेक्टम है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। अब ये क्या होगा, ये इनको ऐसे, ये रेक्टम से होती हुई, ये रेक्टम भी, रेक्टम को कवर करती हुई ये यूरिनरी ब्लैडर पे जाएगी, ये यहाँ पे एक पाउच बनाती है इस तरीके का, फिर इसको यूरिनरी ब्लैडर को कवर करती हुई ये आगे एंटी एब्डोमिनल वॉल से
कंटिन्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे करके इसकी ट्रेसिंग होती है। अब क्या होगा कि यहाँ देखिए, अब यहाँ पे बेयर एरिया है तो यहाँ पे तो कोई लेयर ही नहीं होगी, लेकिन फिर यहाँ से अब एब्डोमिनल वॉल यहाँ पे भी थे, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो वो यहाँ बेयर एरिया है तो यहाँ पे तो कोई लेयर ही नहीं है, लेकिन वो यहाँ से कंटिन्यू करती है, फिर इसको लिवर को भी कवर करना है, लिवर को तो इसको ये यहाँ से कवर करती हुई, फिर ये यहाँ पर स्टमक को ये क्लोज करती है, इनक्लोज करती है, फिर ये उसको फॉलो करती है, जो हमारी फर्स्ट लेयर थी ये वाली, ये इसको हम फर्स्ट लेयर बोलेंगे, ये विसरल लेयर, ठीक है। और इसको इसको फॉलो करते हुए फिर इसको यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन को इसको कवर करना होता है, फिर ये फोल्ड बना के फिर से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में ही कंटिन्यू हो जाती है, मतलब ये पीछे, मतलब उसको पेरिटोनियम को लाइन कर, वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को लाइन करती है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे पैंक्रियाज होती है, पैंक्रियाज रेट्रो पेरिटोनियल होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके पीछे कुछ नहीं है, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे ये रेस्ट कर रही होती है, लेकिन आगे इसकी पेरिटोनियम होती है, ठीक है। ऐसी ये है, ये भी, ये इसको हम ड्यूडेनम बोलेंगे, ये ड्यूडेनम है, ठीक है। तो आई होप आपको ऐसे समझ में आया होगा कि इसकी विसरल और पेराइटल की जो ट्रेसिंग है, और यहाँ पे जब हम आगे डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे हम पेराइटल और इससे इसको हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, पेराइटल और विसरल को, अब हम सीधे सीधे पढ़ेंगे कि लेसर सेक, ग्रेटर सेक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे ऐसे बना देख लीजिए कि जो ये चीज़ बनी है, ये चीज़, ये एक तरीके का अलग सेक्शन हो गया, और ये जो चीज़ है ये एक तरीके की अलग सेक्शन हो गई। तो इस बड़े वाले सेक्शन को हम क्या कहेंगे, ग्रेटर सेक, और हम इस कम वाले, जो छोटे वाले सेक्शन को हम क्या करेंगे, कहेंगे लेसर सेक, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई। अब क्या है, ये रिसेस भी होती है, रिसेस मतलब इस तरीके के कुएं की तरीके से, मतलब ऐसे थोड़ा ऐसे बना हुआ, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इन्फीरियर रिसेस, और इसको हम बोलेंगे सुपीरियर रिसेस, ठीक है। और क्या होता है, इसमें पाउच होते हैं, देखिए एक ये पाउच है, इसको हम बोलेंगे, ये हो गया रेक्टम और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, तो इसको हम बोलेंगे रेक्टो वेसाइकल पाउच, ठीक है, या वेसिको रेक्टल पाउच, ऐसे करके हम इसको नाम देंगे, ये पाउच होता है, ठीक है। और क्या हमको देखना है, यहाँ पे ये, हाँ अब हम इसमें देखना है हमको, हाँ ये यहाँ पे जो ग्रेटर और लेसर सेक को कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं एपिप्लॉइक फोरामन, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर और लेसर सेक का कनेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या रह गया, और हमारा रिसेस हो गया ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम। देखिए ओमेंटम क्या होता है, कवरिंग होती है। अब ये चीज़ और ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कवर हो रही है दो लेयर से, ठीक है। ऐसे करके ये पूरा इसका फोल्ड हो रहा है, यहाँ पे ये रह रहा है, यहाँ पे ये पूरी तरीके से फोल्ड नहीं, वो पूरी तरीके से कवर नहीं हो रही, यहाँ पे ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल आ रही है लेकिन ये ठीक से क्लोज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो चीज़ हैं आप इनको रिलेट करके चलिए, ठीक है। यहाँ पे ये दो फोल्ड बना रही है, इसको पूरी तरह कवर कर रही है। तो ये जो होगा हमारा, ये कवरिंग हमारी होगी लेसर ओमेंटम, और ये जो चार फोल्ड हैं, 1 2 3 4 चार लेयर जो बन रही हैं, इसको हम बोलेंगे कलेक्टिवली ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पे जो ये है इसको हम बोलेंगे लेसर ओमेंटम। ये सारी चीज़ हैं, अभी हम इसको डायग्राम से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखिए अब हम इसकी पोजीशन थोड़ी याद कर लेते हैं। देखिए ये वही डायग्राम है, ये थोड़ा मतलब वैसा नहीं है, मॉडल नहीं है। देखिए लिवर होता है, लिवर के नीचे स्टमक होता है और ट्रांसवर्स कोलोन होता है उसके नीचे, फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएंगे। ये थोड़ा ओवरव्यू है कि हमें मतलब आइडिया रखना है जब हम एग्ज़ाम में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो ट्रांसवर्स कोलोन है, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, और फिर यहाँ पे रेक्टम आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा आगे एंटीरियर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा, आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है, पीछे रेक्टम होती है, ये सभी को पता है। यहाँ पे पैंक्रियाज होगी, यहाँ पे किडनी होगी, ठीक है।
इसी के तरीके से फिर हम ऐसे ट्रेसिंग करेंगे, फिर हम इसको ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे। यहाँ पे ये तो हो गए, हम एक एब्डोमिनल वॉल बना लेंगे आगे की, फिर एक पैराइटल वॉल बना लेंगे, पैराइटल पेरिटोनियम, फिर यहाँ पे बेयर एरिया होता है तो यहाँ से ही कंटिन्यू नहीं करेगी, ये पीछे लौट आएगी, फिर इसको कवर करती हुई, फिर ये ऐसे करके नीचे की तरफ जाके फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन को ऐसे कवर करती हुई, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पर वो पूरा हमको आइडिया बन जाएगा। और यहाँ पर ये बन जाता है ग्रेटर सैक, और इधर की तरफ हम जहाँ यहाँ तो बेयर एरिया मिल गया तो यहाँ से ही कंटिन्यू नहीं करेगी, जो यहाँ पर पैराइटल पेरिटोनियम होगी वो ऐसे करके यूँ इसको क्लोज करती हुई आ जाएगी आगे। ठीक है, ये पोजीशन हमको याद रखनी है। पहले लिवर होती है, उसके थोड़ा सा हट के यहाँ पे स्टमक होता है, फिर थोड़ा सा हट के यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लाइन से होती है, और रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर, और फिर हमारा पैंक्रियाज। ठीक है, हमें यहाँ पे ये चीज़ें हमें याद रखनी है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ग्रेटर सैक हमने बताया था, ये चीज़ वही है, ये हमारा हो गया ग्रेटर सैक पूरा का पूरा, ये जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, और ये हो गया हमारा लेसर सैक, ये जो हमारा ब्लू कलर का है, ये लेसर सैक हो गया छोटा छोटा, और ये बड़ा बड़ा पूरा, ये पूरा एक अलग सेक्शन है, ये पूरा एक अलग सेक्शन है, इसको हम बोलेंगे ग्रेटर सैक, इसको हम बोलेंगे लेसर सैक। और क्या हो गया, एपिप्लोइक फोरामन, यहाँ पे ये जो कनेक्ट करता है एक तरीके से इन दोनों को। ठीक है, जो कनेक्शन होता है ग्रेटर सैक और लेसर सैक का, उसको हम बोलते हैं एपिप्लोइक फोरामन, है ना। और क्या हो गया, रिसेस, ये हो गई हमारी सुपीरियर रिसेस, वो सॉरी इन्फीरियर नीचे की तरफ है, तो ये हो गई हमारी इन्फीरियर रिसेस और ये हो गई हमारी सुपीरियर रिसेस। और ओमेंटम यही होता है, देखिए फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड मतलब कवरिंग, ये जो स्टमक है ये पूरी तरीके से कवर हो रहा है। ठीक है, तो कवर हो रहा है, ये जो दो फोल्ड हैं इसको हम बोलेंगे लेसर ओमेंटम, और यहाँ पे चार फोल्ड बन रहे हैं यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, इसको हम ठीक से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे चार लेयर बन रही हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये चार लाइनिंग है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि फर्स्ट वाली जो लेयर है वो आगे जाके हमारी फोर्थ लेयर बन रही है, फोर्थ लेयर। ठीक है, और जो सेकंड लेयर है वो आगे जाके हमारी थर्ड लेयर बन रही है, ये चीज़ हमको याद रखनी है यहाँ पे। और यहाँ पे ये दो फोल्ड होते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, और ये जो कनेक्ट कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं एपिप्लोइक फोरामन, और जो ये जो दो फोल्ड हैं उसको हम बोलेंगे लेसर ओमेंटम, और ये जो चार फोल्ड हैं उसको हम बोलेंगे ग्रेटर ओमेंटम। बाकी हम एक बार और ठीक से बता देते हैं, ये लिवर है, लिवर के बाद हम बनाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हम बनाएंगे ट्रांसवर्स कोलोन, फिर हम बनाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर ये हमारे हो गया रेक्टम, और ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये प्रोस्टेट हो गया। ट्रेसिंग ऐसे चलती आएगी, फिर इसको जो मतलब इसको कवर कर जो सामने होता है उसको कवर करना होता है, लेकिन यहाँ पे भूल जाता है कि इसको नीचे की तरफ जाता है, लेकिन इसको यहाँ पे फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन दिख जाता है, ट्रांसवर्स कोलोन को कवर करते हुए ये फिर यहाँ पे ड्यूडेनम और इन सबको कवर करते हुए ऐसे करके कवर करते हुए फिर यहाँ से मर्ज हो जाता है पैराइटल पेरिटोनियम में। लेकिन जो यहाँ पे जो पोस्टर एब्डोमिनल वॉल थी उस पर भी जो लेयर्स होंगी वो उसको कवर करते हुए, यहाँ पे बेयर एरिया होता है तो यहाँ पे कोई लेयर नहीं होती, यहाँ पे कोई पेरिटोनियम नहीं होती, तो ये यहाँ से पेरिटोनियम है पोस्टियर वाली, यहाँ से इसको ट्रेस करती हुई कवर करती हुई स्टमक को कवर करती हुई फिर ये इसको फॉलो करेगी, फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन को कवर करेगी, फिर ये उससे जाके वहीं मिल जाएगी। ठीक है, देखिए पैंक्रियाज हुआ, ड्यूडेनम हुआ, इसके पीछे कोई लेयर्स नहीं है, इनको हम बोलेंगे रेट्रोपेरिटोनियल। ये आगे तो इसके पेरिटोनियम प्रेजेंट है लेकिन इसके पीछे पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे रेट्रोपेरिटोनियल। ड्यूडेनम रेट्रोपेरिटोनियल होता है, पैंक्रियाज रेट्रोपेरिटोनियल होती है क्योंकि पोस्टीरियर वॉल पर रेस्ट कर रही होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सजाइटल ट्रेसिंग, आगे हम पढ़ेंगे वर्टिकल। अब यहाँ पे हम इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। देखिए ये तो यही है कि वो एंटी एब्डोमिनल वॉल पार्ट वो लेयर वन बनाती है, और फिर वो डायफ्राम को ऊपर की तरफ से पेरिटोनियम लाइनिंग अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड डायफ्राम को ऊपर की तरफ से उसको कवर करती है, और है ना, और वो लिवर को रिफ्लेक्ट करती है एज अ सेकंड लेयर, वो फिर लिवर को कवर करती हुई आ जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे लेयर जो है थर्ड पॉइंट, जो फर्स्ट और सेकंड लेयर जो होती है वो मोस्ट ऑफ द लिवर को एनक्लोज करके रखती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, और फिर वो पोर्टा हेपेटिक वो ये मतलब लेसर ओमेंटम बनाती है। लेसर ओमेंटम कहाँ पे बनाती है, नीचे आके जहाँ पे वो स्टमक को एनक्लोज करने वाली होती है, तो वो यहाँ पे लेसर ओमेंटम बनता है। ठीक है, लेसर ओमेंटम क्या करता है, वो स्टमक को एनक्लोज कर देता है, फिर वो नीचे आता है, और फिर वो
ग्रेटर मोमेंटम बनाता है, ग्रेटर मोमेंटम बनाता है, फिर वो अपने मतलब अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाता है ऐसे करके, और वहाँ पे जो फर्स्ट लेयर होती है वो फोर्थ लेयर बन जाती है, और सेकंड लेयर जो होती है वो थर्ड लेयर बन जाती है, जो कि हमने आपको बताया दिया। फर्स्ट लेयर होगी जो फोर्थ लेयर बन जाएगी, सेकंड होगी वो थर्ड बन जाएगी, और क्या होता है थर्ड एंड फोर्थ लेयर जो होती है वो ट्रांसवर्स कोलोन को एनक्लोज करती हैं, फिर वो ट्रांसवर्स मेसोकोलोन में वो होती हैं। देखिए यहाँ पे ये ट्रांसवर्स कोलोन को एनक्लोज कर रही है थर्ड एंड फोर्थ लेयर, और फिर ये इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। ये पूरा पोस्टीरियर वॉल से जाके अटैच हो रही है, क्योंकि पीछे इसके कुछ नहीं है, पीछे इसको कोई पेरिटोनियम नहीं होगी, ये पूरी पोस्टीरियर वॉल से जाके अटैच होगी, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, क्योंकि ये कोलोन से जाके अटैच हो रही है इस वजह से। ठीक है, अब थर्ड लेयर लाइंस द स्ट्रक्चर इन द अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो थर्ड लेयर होगी वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जाके अटैच हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे करके अटैच हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ लेयर जो होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन के से पास होके मीजेंट्री बनाएगी। अब ये जो फोर्थ लेयर है वो नीचे जाके यहाँ पे मीजेंट्री बनाएगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कनेक्टेड है वो पीछे पोस्टीरियर वॉल है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो देखिए ये जो मीजेंट्री और ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है, आगे पेरिटोनियम होती है, पीछे पोस्टीरियर वॉल होती है, यहाँ पे पीछे पोस्टीरियर वॉल थी इसलिए हमने मीजो लगा दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे है मीजेंट्री। ठीक है, तो मीजेंट्री मतलब एंट्री मतलब एंट्रोन, एंट्रोन मतलब इंटेस्टाइन, तो ये यहाँ पे पीछे पोस्टीरियर वॉल है, और ये यहाँ पे जो फोल्ड है उसको हम बोलेंगे मीजेंट्री। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करिए, यहाँ पे कोलोन था इसलिए हमने मेसोकोलोन बोल दिया था, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है इसलिए हम मेसेंट्री बोल देंगे। यहाँ पे ये मेसेंट्री बनाती है, ऐसे यहाँ पे ट्रांसवर्स मेसोकोलोन बनाती है। यहाँ पे पेरिटोनियम लाइंस स्ट्रक्चर और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, फिर वो पेल्विस पे जाती है, और फिर वो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर पे मतलब वही रेक्टम साइकिल पाउच में उसको कवर करती हुई, फिर आगे मतलब रेक्टम से कवर करती हुई रेक्टम साइकिल पाउच में वो आगे फिर फॉरवर्ड हो जाती है, कंटिन्यूस करती है। ऐसी वो फीमेल में रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है, वेसाइकिल पाउच नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे यूट्रस होता है। ठीक है, फिर यही है सजाइटल ट्रेसिंग, यही सब चीज़ होती है। तो आज इसी के साथ लेक्चर वो वीडियो है ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।